What's up guys, thank you so much for watching English Parts. I am Arun Tiwari. Welcome you all in today's video guys. Thumbnail आपने देख लिया? जी हाँ, first flight के first chapter के साथ start कर रहे हैं हम. Later to God start कर रहे हैं chapter. And try करेंगे हम कि half of the chapter to complete in this video and next half in next video. So channel पर नए हैं तो please subscribe करिए, like तो बनता है और share जरूर करिए दोस्तों के साथ, क्योंकि 9th 10th standard से related, even 11th 6th to 12th standard से related जितने भी topics हैं वो सब आपको इस चैनल पर मिलेंगे. सो प्लीज शेयर इट. सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं समरी में क्या है. सो चलिए शुरू करते हैं. दोस्तों कहते हैं अगर भगवान पे भरोसा हो तो पहाड़ों को भी हिलाया जा सकता है, उनकी जगह से चेंज कर दिया जा सकता है. इवन मींस द ओपनिंग लाइन ऑफ दिस चैप्टर इज दैट फेथ इवन मूव्स द माउंटेन्स, मेक्स द माउंटेन्स टू मूव. भगवान पर भरोसा इंसान को हर एक चीज करवाती है. और जो लोग ये सोचते हैं, जिनका भगवान पे भरोसा बहुत ज्यादा है, उन्हें लगता है कि भगवान उनकी लाइफ कभी भी खराब नहीं होने देगा. ये चैप्टर एक किसान की कहानी है, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ फार्मर, जहां पर फार्मर जिसकी फसल मौसम की वजह से खराब हो जाती है तो वो उसका पूरा दोष भगवान को देता है. दोष नहीं कह सकते मैं, इज नॉट pointing God for that. He is just saying that ki God cannot do this to his or his own child. अपने बच्चों के साथ वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता. इसीलिए जब उसकी फसल खराब होती है या जब बरसात की वजह से बहुत ज़्यादा हेल स्टॉर्म्स होते हैं तो उसकी फसल को नुकसान होता है, तो वो उसकी कंप्लेन करने के लिए भगवान तक चला जाता है. He writes a letter to God. वो भगवान को लेटर लिखता है कि आप ये मेरे साथ नहीं कर सकते, जितना भी मुझे लॉस हुआ है उसका कॉम्पेंसेशन आपको देना पड़ेगा. आप समझिए, प्रैक्टिकली अगर इस चीज को देखने जाए तो ये पॉसिबल नहीं लगता, दिस इज लाइक प्योर इमेजिनेशन. बट अगर इस चैप्टर की डेप्थ में जाएंगे तो आपको एक चीज बहुत समझ में आएगी कि इंसान का भरोसा, ये चैप्टर आपको यही मैसेज देता है कि इफ यू हैव फेथ, अगर आपको किसी चीज में भरोसा है तो आप डेफिनेटली उस टारगेट तक पहुंच पाएंगे. स्टोरी को अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ से अप्लाई करें तो ये बहुत रिलेट करता है हमारे टारगेट्स और हमारी अचीवमेंट्स पे. जहां पर हम फोकस रख के चलते हैं और कई बार कुछ फेलियर्स आ जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे. बट वो लोग जिन्हें खुद पर भरोसा होता है और जिन्हें ये भरोसा होता है कि नहीं, मेरे साथ ये हो ही नहीं सकता, गॉड कैन नॉट डू दिस टू मी, एंड दे कंटिन्यू विद देयर हार्ड वर्क, सो उनके लिए चीजें ऑटोमेटिकली आसान हो जाती है. चैप्टर में लेंचू नाम का एक फार्मर है जिसकी कॉर्न की फसल बहुत अच्छी फसल है, बस एक नॉर्मल थोड़ी सी बरसात हो जाए तो फसल पूरी तरह से पक जाए क्योंकि फूल लग चुके हैं. बट बरसात तो होती है, उसे बादल दिखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाता है कि चलो बारिश आ रही है. बट उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक रह नहीं पाती क्योंकि कुछ ही समय में वो बरसात जो है वो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ओले पड़ते हैं जिसके कहते हैं बर्फ के छोटे छोटे, तो वो उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं. उसकी वाइफ का इस चैप्टर में बहुत बड़ा रोल है, जहां पर उसकी वाइफ उसे ये कहती है कि गॉड ऑलवेज डू बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन, भगवान अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा करता है. तो लेंचो को ये चीज दिमाग में बैठ जाती है कि हम सभी भगवान के बच्चे हैं और अगर भगवान ही सब कुछ करता है तो वो ये चीज कभी नहीं करेगा कि उसके बच्चे भूखे मरे, क्योंकि उसकी हालत जो है पूरी तरह से खराब हो जाती है. He is the only breadwinner in his family. अकेला अर्नर है और पूरे साल जो उसकी ये क्रॉप हुई है इसी से वो अर्निंग करता है, क्योंकि अब पूरी क्रॉप बर्बाद हो गई तो उसके पास कुछ बचा नहीं. सो इसलिए वो कहता है कि I have nothing, मेरे पास कुछ भी नहीं है और अगर आपने मदद नहीं की तो मेरी फैमिली पूरी तरह से खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी. सो वो लेटर लेकर जाता है और वो लेटर को पोस्ट करता है. चैप्टर की आयरनी वहां निकल के आती है जब उसको उस लेटर का जवाब भी मिलता है और चैप्टर का एंड जो है वो कुछ आपको बिल्कुल ही असमंजस में रख देगा कि ये कैसा रिस्पांस दिया उसने. मैं आपको चैप्टर का सस्पेंस रिवील नहीं करूंगा बिकॉज फिर आप पढ़ने में वो आनंद नहीं रहेगा. सो आई वुड लाइक टू यू ऑल प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड. बहुत ही सुपर्ब स्टोरी है, आपको बहुत पसंद आएगी ये मैं गारंटी दे सकता हूँ. हाफ पार्ट जो आज का पहला पार्ट होगा उसमें मैं दो पेजेस इस चैप्टर के फर्स्ट टू पेजेस कवर करूंगा और नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो में आएगा उसमें मैं नेक्स्ट टू पेजेस कवर करूंगा. सो आप कोशिश करिए कि वीडियो को पूरा देखिए, क्वेश्चन आंसर्स आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ आज
आप इस वीडियो को पूरा और समरी के साथ देखिए। सो मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं, आपको यहाँ पर वीडियो स्क्रीन पे चैप्टर दिखेगा, मैं रीड करूंगा और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। आप स्क्रीन पर देखिए, मैं चैप्टर को स्टार्ट करूं उससे पहले बिफोर यू रीड जो है वो सेक्शन में आपको स्पेशली रीड करके बताना चाहता हूं, एंड आई टेल यू व्हाई आई एम रीडिंग दिस। लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस चैप्टर, दे से फेथ कैन इवन मूव माउंटेन्स, भरोसा जो है वो पहाड़ों को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड हैव और व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, हमारा भरोसा होना किस चीज में चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। This is the question this story delicately and deliciously ask you. ये story पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत clearly समझ में आएगी। अब हम start करते हैं इस story के part से। So let's start with page number 3. What is written over here? The house, the only one in the entire valley, sat on the crest. Crest means top of the mountain. एकदम ऊपर पहाड़ी पे सिर्फ एक ही घर था। Of the low hill, छोटी सी पहाड़ी जो थी। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. मतलब क्या हुआ, उसका घर लेंचो का घर, लेंचो इज द नेम ऑफ द फार्मर, इस पैराग्राफ में जो नेम लेंचो है वो फार्मर का नेम है, उसका घर उस छोटी सी पहाड़ी के सबसे ऊपर था और वहां से एंटायर वैली जो है दिख रही थी, पूरी वैली मतलब खेतों का जो पूरा कॉर्न की पूरी क्रॉप लगी हुई थी जिसमें फल फूल लग चुके थे येलो कलर के, आप देखिए पूरे फ्लावर्स जो खिले हुए थे वैली में, और वहां से रिवर्स और सब कुछ उस पहाड़ से दिख रहा था। एंड लेंचो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बस हल्की सी बारिश, डाउनपोर तो थोड़ा बहुत या थोड़ा सा शार भी हो जाए, हल्की बारिश हो जाए तो भी ये बेस्ट होगा मेरे लिए, इनफैक्ट एंटायर वैली के लिए जिसने भी ये फसल लगाई है। तो वो इसमें जो लाइन लिखी है लास्ट में नॉर्थ ईस्ट, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्यों देख रहा था, बिकॉज जो बादल बन के आएंगे बारिश के लिए वो उसी तरफ से आएंगे। सो ही वॉज लुकिंग टूवर्ड्स दैट साइड कि वहां से काश बादल बन के आए और हल्की सी बारिश हो जाए तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और इस साल मेरे पास इतनी फसल हो जाएगी, देन आई विल नॉट हैव टू सफर, सारी मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट पैरा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वॉटर। वेमेन, वेमेन मीन्स ये बात कर रहा है वो अपनी फैमिली में, आई थिंक वाइफ की बात हो सकती है जो उसकी फैमिली में है, उसकी वाइफ को बोल रहा है वो कि सिर्फ हल्की सी बारिश की हमें जरूरत है, नथिंग एल्स। The woman who was preparing supper, supper means dinner, ये word जो है that means dinner, dinner prepare कर रही थी, replied, उसने क्या कहा, yes, God willing, भगवान भी यही चाहता है, the older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come on for dinner. It was during the meal that just as Lencho had predicted. क्या कहा उसकी वाइफ ने, जो उसके एल्डर बॉयज थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, जो यंगर वंस थे वो खेल रहे थे, सो हिज वाइफ कॉल्ड ऑल, सबको बुलाया उसने बिकॉज डिनर का टाइम हो गया, कम ऑन एवरीवन लेट्स हैव डिनर, डिनर स्टार्ट करते हैं। और लेंचो ने ये प्रिडिक्ट किया, अपनी वाइफ से कहा कि हल्की से खारी बारिश हो जाए तो सारा सॉल्यूशन आ जाए। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जैसे ही उसने कुछ समय पहले प्रिडिक्ट किया, बड़ी बड़ी बूंदे जो है बारिश से गिरनी स्टार्ट हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट से घने बादल देखे जा सकते कि वो अप्रोच कर रहे थे इस तरफ। खुश हो गया लेंचो, अभी मैंने कुछ समय पहले ही कहा कि काश बारिश हो जाए और लेट्स सी डाउनपोर स्टार्ट हो गया, बड़ी बड़ी बूंदे शुरू हो चुकी है, एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट गुड रेन, अच्छी बारिश होगी, and we will have a great amount of crop this year. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. Because itna khush tha wo
कि वो तुरंत बाहर गया देखने के लिए, और वो खुशी महसूस, टू फील दैट प्लेजर, अपनी खुशी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, क्या कहा उसने, देयर आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। अंडरलाइन दिस लाइन, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है कि व्हाई डिड लैंचो कंसीडर द रेन ड्रॉप्स द बिगर वन एज द 10 सेंट्स एंड द स्मॉलर वन एज अ 5 सेंट। Well, the answer of this question you can clearly explain in your paper, that as rain was the main source for which Lancho was waiting, he was waiting eagerly, because if rain would be there, he will be earning a lot of grains. So, agar jyada barish hogi, so he will earn more money, kyunki uski crop bahut better hogi. So, that's why he considered the bigger drops at 10 cents. और अगर छोटे डाउनपोर भी होते हैं हल्की सी, तो वो भी उसके लिए पॉजिटिव मैसेज ही देगी, ज्यादा उसे नहीं मिलेगा तो कुछ तो मिलेगा ही। तो जो छोटे ड्रॉप्स हैं वो ही इज कंसीडरिंग द स्मॉलर ड्रॉप्स एज 5 सेंट्स एंड द लार्जर वन एज 10 सेंट्स, बिकॉज रेन इज इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टीवेशन, फॉर द कॉर्न क्रॉप, उसकी जो कॉर्न की क्रॉप है उसकी कल्टीवेशन के लिए, बेटर क्रॉप, उसे बेटर हार्वेस्टिंग के लिए ये जो रेन ड्रॉप्स हो रही हैं, दिस इज लाइक सेंट्स, उसके लिए पैसे के समान है। सो ज्यादा जो बड़ी बूंदे गिर रही हैं वो उसको कंसीडर कर रहा है 10 सेंट से, स्मॉलर जो है छोटी है उसको वो 5 सेंट से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन आई एम सेइंग, कमिंग टू द नेक्स्ट पैरा, विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर Draped in the curtain of rain. What do you mean by draped in the curtain of rain? He is saying that, he is comparing that, कि पूरी उसकी वैली, जो entire valley flower से भरी हुई है corn crop के, वो पूरी तरह से बारिश की चादर से ढक गई, because rain came, बारिश हुई, but suddenly यहीं पर उसकी सारी खुशियां अब धीरे धीरे उसके लिए sadness में convert हो रही है। क्या हुआ? Suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began. बड़े-बड़े जो ओले होते हैं वो पड़ने शुरू हुए. And we already know that last few, I think 1 month back, we had also felt that our country farmer had also felt this problem, कि जब wheat की crop almost harvesting की situation पे थी, cutting पे, उस time पे hailstones आए और बहुत सारे farmers को problem हुई है. वही चीज यहाँ पे हुआ. These truly did resemble new silver coins. वो जो hailstones गिर रहे थे, small pieces of ice, he is considering those small pieces as silver coins. The boys, because when you see, if you, I don't know if you people have seen hailstones, जब वो गिरता है तो थोड़े time के लिए वो तुरंत जो है वो पिघलता नहीं है, थोड़े time तक रहता है. So if you see that, उसको आप देखेंगे तो it's look like silver coin की तरह दिखता है। बच्चे जब देखते हैं तो they get very excited to go and snatch it, उसे तुरंत पकड़ लें। Exposing themselves to the rain, ran out to collect those frozen pearls. Frozen pearls is used for those rain hailstones के लिए use हुए हैं। Coming to the next para, it's really getting bad now. Starting में तो अच्छा लगा, but अब situation खराब हो रही है। Exclaimed the man, I hope it passes quickly. चलो थोड़ा बहुत है, ठीक है, जल्दी जल्दी ये बारिश हवाएं के साथ ये बादल निकल जाए। It did not pass quickly, लेकिन वो जल्दी पास नहीं हुए। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley, the field was white as if covered with salt. क्योंकि छोटे 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 वो रेन ड्रॉप्स व्हाइट करके पूरी वैली में फैल गए और इतनी बारिश हुई, as if the whole valley was covered with white salt. Now what happened? You can imagine what is the situation. You can see the face of Lancho, how excited he was in the beginning, and look at how his excitement is turning into a great sadness. Not a leaf remained on the tree. क्योंकि वो hailstones बहुत strong होते हैं, और जब वो गिरते हैं तो पूरी जो crop field होती है, पूरी फसल की फसल गिरा देते हैं।
सो यहां पर भी वही हुआ, एक फ्लावर और एक लीफ भी उस पे कॉर्न की जो ट्री है उस पे प्लांट पे बची नहीं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, क्योंकि फ्लावर्स से ही वहां पर उसमें फ्रूट्स लगेंगे, मीन्स कॉर्न आते, अब वो पूरी तरह से फ्लावर्स गिर गए। लेंचो's soul was filled with sadness. You can imagine, because farmers does a lot of hard work throughout the 2-3 month, and when it comes to these harvesting season, critical point आता है, and at that time something happens, it looks like somebody is taking life from themselves. उनसे कोई उनकी जान मांग ले रहा है, ये मांग नहीं ले रहा है, ये तो छीन ले रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said, क्या कहा अपने बच्चों से? A plague was locust wood. Now what, see what Lancho did, look at his expression. You can see in the picture also. Lancho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field. एकदम फील्ड के बीच में खड़ा हुआ और क्या कह रहा है अपने बच्चों से, देखिए। A plague of locust wood. Locust, the meaning of locust is given on the right side of the book. You see, insect which fly in big swarm and destroy the crop. It's because the insects crop को खराब करते हैं, इन रेन ड्रॉप्स ने भी वही किया। इनफैक्ट रेन ड्रॉप्स भी नहीं बोलेंगे इसको, तो हेल स्टोन्स बोलेंगे। दे ऑल्सो डिड द सेम थिंग एंड हैव लेफ्ट मोर, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा नुकसान किया इन्होंने। द हेल्स हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कोई फसल कोई कॉर्न हमारे पास होने वाली नहीं है। दैट नाइट वॉज यू कैन सी, यू कैन इमेजिन द सिचुएशन ऑफ एन ऑफ अ फार्मर whose whole hard work of last 3-4 months vanished in just 1 hour. एक घंटे में पूरे 6 महीने की मेहनत बर्बाद हो गई, 5 महीने की। All our work for nothing. इतनी मेहनत जो हमने की सब बेकार। There is no one who can help us. Nothing. कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके इसमें। We will go hungry this year. हमारे पास इस बार कुछ भी नहीं बचेगा, and we are definitely going to die. भूखे मरेंगे, बिकॉज दिस कॉर्न क्रॉप वॉज द ओनली सोर्स फॉर अर्निंग फॉर आर लिवलीहुड, इसी से हमारा पूरा साल चलता, और जो हुआ इसने पूरी तरह से सब कुछ खत्म कर दिया। फ्रेंड्स, टिल नाउ वी आर कवरिंग इन दिस पार्ट, इस पार्ट में कवर कर रहा हूँ 2 pages. नेक्स्ट पार्ट में मैं बाकी की स्टोरी कवर करूंगा। आई विल नॉट एक्सप्लेन यू राइट नाउ वॉट विल हैपन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, but definitely it is going to take the new shape. यहाँ से story एक नया turn लेगी और बहुत ही interesting story है, and you are definitely going to like it. पक्का आपको पसंद आएगा। So मैं आपसे उम्मीद करूँगा, अगर आपको video पसंद आया हो यहाँ तक, तो please share करिए, subscribe करिए, दोस्तों को बताइए, ताकि इस lockdown में उन्हें इसका फायदा हो। मिलते हैं next lecture में second part के साथ। तब तक के लिए आसपास साफ सफाई रखिए, दोस्तों में मित्रता बनाए रखिए, और हाँ, अगर कुछ कर सकते हैं तो प्लीज घरों में बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।